Good morning everyone, my name is Kush Pandey and you're watching the daily current affairs show based on the Hindu. Aap sabka doston tahe dil se swagat hai hamare aaj ke session mein. A very warm welcome to everyone in today's current affairs discussion guys. Aap sabka tahe dil se swagat hai. Now guys, I am pretty certain, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा घर पे बैठे हैं. You are getting very impatient, you are getting very bored and some people are questioning कि exam होगा कि नहीं होगा. So first of all guys, the exam will happen, don't worry. It will take a couple of months but the exams will happen and there will be a time when you'll have multiple examinations that you have to give. Whether it is SBI clerk mains, SBI PO, whether it is SSC CHSL, whether it is UPSC prelims, many exams will be on the line. So aap is samay ka sahi upyog kare. Please use the time not to watch all the time web series. Try to read books, try to read content that is helpful for examination. Please guys give me a thumbs up agar aap koi baat samajh mein aa rahi hai to. Number one. And number two guys, bahut hum log bore ho gaye hain. कितने लोग हैं जो बहुत बोर हो गए हैं घर बैठे बैठे. हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली हैव गॉटन बोर्ड वाइल सिटिंग एट द होम. प्लीज़ गिव मी अ लव साइन एवरीवन. फटाफट कितने लोग हैं जो कि बोर हो गए हैं इतने ज़्यादा. एवरीवन, यस एवरीवन. सो अब हमने कुछ अलग किया है दोस्तों. नाउ वेलकम टू द न्यू अपडेटेड वर्जन ऑफ द करंट अफेयर सेशन एंड ये हमारा आज का वर्जन रहेगा. तो क्या हुआ, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते. हम शो के बैकग्राउंड को तो चेंज कर सकते हैं ना. सो वी चेंज द बैकग्राउंड सो दैट वी कैन फील दैट वी आर डिस्कसिंग द करंट अफेयर्स फ्रॉम आउटसाइड आर हाउसेज. सो विदाउट फर्दर अडू चलिए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको हमारे आज के हेडलाइंस पर. सो टुडेज गाइज इज डेली करंट अफेयर्स ऑफ द 8th ऑफ अप्रैल. विल डिस्कस न्यू मंथ, न्यू चेंजेस एंड विल डिस्कस द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेशन ऑफ द करंट अफेयर्स. सो विदाउट फर्दर अडू चलिए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको हमारे आज के कॉन्टेंट पर. स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वी हैव द सरप्राइज ऑफ द डे. देन वी हैव द करंट अफेयर्स रिविजन 10 क्वेश्चंस विद ऑफ द प्रीवियस डे. Then we have current affairs from different sources, one-liner current affairs, newspaper analysis from the Hindu, financial terms from the Hindu, burning issue आज का है, आज का जो burning issue है उसकी हम बात करेंगे. आज हम बात करेंगे यूरो करोना बॉन्ड्स की, बिकॉज दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन वील डिस्कस द स्टैटिक अवेयरनेस फॉर द 7th ऑफ अप्रैल, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं. सो आई वॉन्ट एवरी वन इन द कमेंट सेक्शन टू प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप. इज़ माई वीडियो विजिबल, इज़ माई ऑडियो ऑडिबल. प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा येस सर, 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 हमें समझ में आ रहा है. चलिए आते हैं पहले आज हमारे आज के ट्रिक पर. आज का ट्रिक दोस्तों जो है दैट विल फोकस ऑन आसियान, वो आपका आसियान फोकस करेगा. आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. आसियान इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ऑफ 10 नेशन बेसिकली. And this association basically focuses on the Southeast Asia. The short trick guys is TV clip of MBBS, where off guys is silent. T stands for Thailand, V stands for Vietnam, C stands for Cambodia, L stands for Laos, I stands for for Indonesia, P stands for Philippines, M stands for Malaysia, B stands for Burma or Myanmar, B stands for Brunei, and S stands for Singapore. ये आपको ज़िंदगी याद रहेगा. यू विल रिमेंबर दिस थिंग एवरी टाइम. प्लीज़ गाइज एवरी वन गिव मी अ थम्स अप येस सर, येस सर, येस सर, येस सर, येस सर, ताकि इस सेशन को समझ पाएँ आप लोग रेडी हैं और आप लोग तैयार हैं. अपार्ट फ्रॉम अनमोल पुष्कर, इज़ द साउंड ऑडिबल टू एवरी वन? क्या मेरी साउंड आप सबको ऑडिबल है? बिकॉज दैट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए आते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर जो कि ये रहा आपके सामने. Who of the following has been appointed as the new vice chairman of NASSCOM? इनमें से किसे NASSCOM का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? And the answer is, it is option C, that is Rekha Menon. Please confuse मत कीजिएगा. सवाल था new vice chairman. We were not talking about the chairman. Of course, the chairman is Mr. UB Praveen Rao. But guys, यही होता है और हम लोग मात खा जाते हैं. हम डिस्कस कर रहे थे वाइस चेयरपर्सन, तो उसका आंसर जो है दैट इज़ रेखा मेनन. दैट इज़ एब्सोल्यूटली द करेक्ट आंसर. ऑल राइट, अगर अब बाकी ऑप्शन की बात करें, देवजनी घोष इज़ द करेंट प्रेजिडेंट ऑफ NASSCOM, समीर अग्रवाल इज़ द करेंट हेड ऑफ वॉलमार्ट इंडिया एंड करण बाजवा इज़ द हेड ऑफ द गूगल क्लाउड इंडिया ऑपरेशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been appointed as the Shadow Minister of Foreign Affairs in the US? इनमें से किसे बनाया गया है Shadow Minister in the UK, माफ करना.
आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, पांच ऑप्शंस, एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, मिस लीजा इवा नंदी, शी हैज़ बीन मेड द शैडो फॉर मिस्टर. करेंटली गाइस अगर हम बात करें बाकी ऑप्शंस की, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, प्रीति पटेल इज द होम सेक्रेटरी, ऋषि सुनाक इज द चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, आलोक शर्मा इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर बिजनेस इन द यूके, एंड जावेद अशरफ जो हैं वो इंडियन एम्बेसडर हैं टू फ्रांस. ऑलराइट, अगर हम बात करें यूके की गाइस, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बोरिस जॉनसन, ही इज़ अंडर इंटेंसिव केयर, ही इज़ स्टिल हैविंग द COVID-19 वायरस, एंड लेट्स सी आगे क्या होने वाला है. पर उस वजह से भी यूके न्यूज़ में है. यूके इसलिए भी न्यूज़ में है बिकॉज यूके इज़ द को चेयर अलॉन्ग विथ इंडिया एट दी CDRI, दैट इज़ द कोलिशन डिज़ास्टर रिजिलियंट इनिशिएटिव, जिसमें कि दे आर ट्राइंग टू मिनिमाइज डैमेजेस ऑफ एनी क्लाइमेट प्रॉब्लम उसमें है. साथ ही साथ इंडिया के साथ उसने हाल ही में अजया वॉरियर एक्सरसाइज भी की थी. समझ में आ रहा है सबको? आई होप माई वॉइस इज ऑडिबल टू everyone. प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप गाइस everyone, ताकि मैं समझ पाऊँ आप लोग को पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ प्रपोज्ड द इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियंस. निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरात्मा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का प्रस्ताव दिया था? आपके सामने पांच ऑप्शन हैं, एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन बी, दैट इज बहरीन. टू ऑल दोज पीपल डोंट नो, द इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियंस हैपन्स ऑन April 5. इट वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम जब ये दिवस आपका मनाया गया था, और बहरीन ने ही इसको पिछले साल रिकमेंड किया था एट द UN. तो वो इसका यहाँ पर सही जवाब है. अगर हम बात करें इन पूरे कंट्रीज़ की, लेट्स डिस्कस द कैपिटल्स एंड करेंसीज ऑफ दीज कंट्रीज़. तो ये रहा आपके सामने, कुवैत का कैपिटल है कुवैत सिटी, द करेंसी इज दिनार. बहरीन्स कैपिटल गाइस इज मनामा, द करेंसी इज दिनार. UAE's कैपिटल इज अबू धाबी, द करेंसी इज दिरहम. Brunei's कैपिटल इज बंदर सरई बागवान, द करेंसी इज डॉलर. एंड ईरान्स कैपिटल इज तेहरान एंड द करेंसी इज रियाल. यू कैन गो थ्रू दीज गाइस, आई विल गिव यू 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आई होप everyone has understood. चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर. द लाइफ लाइन उड़ान पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन. लाइफ लाइन उड़ान पोर्टल जो है निम्न में से किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? आपके सामने पांच ऑप्शन दिए गए हैं, एंड द आंसर इज anyone को फटाफट बताइएगा. येस, द आंसर इज इट इज ऑप्शन बी, दैट इज द NIC. अगर हम इन ऑप्शंस को डिस्कस करें, NPCI stands for the National Payments Corporation of India. NIC basically stands for National Informatics Center. NFS basically stands for the National Financial Switch. FIMMDA stands for the Fixed Income Money Market Derivative Association of India. तो ये आपके सामने पांच ऑप्शन हमने प्रोवाइड कर दिए, इनके फुल फॉर्म मैंने आपको दोस्तों बता दिए हैं. तो याद रखिएगा, लाइफलाइन उड़ान पोर्टल जो है वो डेवलप किया है NPCI ने. गाइज, आई वॉन्ट टू टेक योर फीडबैक. How is the new background? Give me a 3 love sign if you are loving the session, if you are loving the background. Let's proceed to the next question, guys. Center for Augmenting War with COVID-19 Health Crisis has been launched by which of the following? COVID-19 के साथ वॉर को संवर्धित करने के लिए जो केंद्र स्वास्थ्य संकट निम्नलिखित है, वो इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया है? And the answer is, it is option B, that is DST. पहली बात तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसको देख लीजिएगा. इसका शॉर्ट फॉर्म है CAWACH. कवच इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने दोस्तों इसको डेवलप किया है. एब्सोल्युटली करेक्ट. द फर्स्ट ह्यूमन बेस कैंप ऑन मून साउथ पोल शैल बी मेड इन विच ईयर. चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला मानव आधार शिविर निम्न में से किस वर्ष में बनाया जाएगा? एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 2024 में बनाया जाएगा. द प्रोग्राम गाइस इज कॉल्ड एज आर्टिमिस, एंड इट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय एजेंसीज लाइक जापान, कनाडा, US, यूरोप. एंड उसके तहत वन मैन एंड वन वुमन विल बी सेंड टू द ह्यूमन बेस कैम्प बाय 2024. क्या बात है, आगे बढ़ते हैं. अनुराग श्रीवास्तव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. बहुत ही सिंपल है. द क्वेश्चन इज, ही वॉज द इंडियन एम्बेसडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. निम्न में से किस देश के ये भारतीय राजदूत थे? इनको हाल ही में रवीश कुमार जी की जगह बनाया गया है विदेश मंत्रालय का आधिकारिक प्रवक्ता. एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन बी, दैट इज इथियोपिया. इथियोपिया के दोस्तों ये एम्बेसडर थे. जाहिर सी बात है, विल डिस्कस अबाउट इथियोपिया. ये रहा आपके सामने. लीबिया का कैपिटल है त्रिपोली दिनार. इथियोपिया कैपिटल है आडिस अबाबा बीर.
इक्वाडोर कैपिटल है क्वीटो एंड डॉलर, घाना कैपिटल है सेडाई एक्रा एंड मेडागास्कर कैपिटल है एंतानारीवो एंड अरियारी. गाइज आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, दोस पीपल हु आर न्यू, दिस पर्टिकुलर सेशन इफ यू आर रेगुलर फॉलोअर वी विल कवर एवरीथिंग, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, रेलिवेंट अफेयर्स, सब कुछ कवर करेंगे. सो अगर आप रेगुलरली सेशन को देखते हैं, बिलीव मी आपको कहीं और नहीं देखना पड़ेगा. देर आर 3 सेशंस, 8 AM, 12:45 PM एंड 4 PM, 8 AM फॉर द करंट अफेयर एनालिसिस, 12:45 फॉर स्टैटिक अवेयरनेस एंड 4 PM फॉर द डेली करंट अफेयर MCQ. इसके बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा. गाइज आई वॉन्ट एवरी वन टू कीप ऑन शेयरिंग द वीडियो. वी हैव टू रीच 1000 लाइव व्यूअर्स बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर मंथ. ये हमारा टारगेट है, तो फटाफट शेयर करना स्टार्ट करो. आगे बढ़ते हैं. How much percent salary cut has been taken by the MPs to fight against COVID-19? COVID-19 से खिलाफ लड़ने के लिए सांसदों द्वारा अपनी वेतन का कितना प्रतिशत हिस्सा दान दिया जाएगा? एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 30%. अच्छा, इसके अलावा सवाल मेरा आपसे और है. MP LAD, दैट इज़ द मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसको कितने साल के लिए बैन किया गया, कितने साल के लिए इसको रोका गया है? एंड द आंसर इज इट इज़ फॉर 2 years, 2 साल के लिए इसको रोक. इट्स नॉट 3 years, इट्स फॉर 2 years. दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऊबर हैज टाइड अप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज लाइक टू सिटीज लाइक बेंगलुरु, मुंबई एंड दिल्ली. ऊबर ने निम्नलिखित में से किसके साथ बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की पहल की है? एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन बी, दैट इज फ्लिपकार्ट के साथ उन्होंने ये अग्रीमेंट दोस्तों जो है वो किया है. आते हैं नेक्स्ट सवाल पे. विच ऑफ द फॉलोइंग डे वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड हीमोफीलिया डे? एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन डी, दैट इज द 17th of April. स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. 4th of April वी हैव नेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस, 5th April वी हैव नेशनल मैरिटाइम डे, 7th April वी हैव वर्ल्ड हेल्थ डे, 18th April वी हैव वर्ल्ड हेरिटेज डे. इस दिन को हम यहाँ पर आपका मनाते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं हमारे आज के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस पर. एंड लेट्स डिस्कस द एनालिसिस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. ऑलराइट गाइस, गिव मी अ डबल थम्स अप. इन द मीन टाइम आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, सिंस आई एम डूइंग डेली चेंजेस, आई एम ट्राइंग टू मेक दिस शो द बेस्ट करंट अफेयर शो. इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड. अगर आपको अच्छा लगे, प्लीज़ इसको रिकमेंड कीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर हमारे साथ आ सकें. सबसे पहले बात करते हैं हम डेली गवर्नमेंट की. The Delhi government, guys, is in news because CM Arvind Kejriwal has announced a 5T plan to stop the spread of the coronavirus. Now, the bigger question is, what is 5T? 5T has 5 T's. First T stands for testing, second T for tracing, third T for treatment, fourth T for teamwork, and fifth T for track. सो इन 5 T's के बेसिस पर दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो आपका स्प्रेड रोकेगा कोरोना वायरस का. अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली रिसेंटली हैज़ अनाउंस्ड दैट इट विल इंप्लीमेंट द आयुष्मान भारत योजना. अगर हम बात करें दिल्ली की, IIT दिल्ली न्यूज़ में है, इट हैज़ फाउंड आउट अ वे टू द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ टेस्टिंग द COVID-19 पेशेंट. इस वजह से आपका दिल्ली भी न्यूज़ में बना हुआ है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. प्रकाश एंड गुलशन जी, आप लेट आए हो, प्लीज़ बी ऑन टाइम एवरीवन. ऑलराइट, दिस हेडलाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स. आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं दोस्तों हम एक और हेडलाइन की. दिस हेडलाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PIB से हमने इस हेडलाइन को लिया है. तो ज़रा इस हेडलाइन को डिस्कस कर लेते हैं. और ये रहा आपके सामने वो हेडलाइन दोस्तों. द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ अचीव द हाईएस्ट एवर कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवेज. NHA की बात करें तो ओवरऑल 3,979 किलोमीटर्स ऑफ हाईवेज बनाए गए हैं. ओवरऑल जो टारगेट है वो है आपका 65,000 किलोमीटर्स का. In the previous 5 years, over 4,800 kilometers of highways have been made. ये बनाए गए हैं through the भारतमाला योजना. अगर हम बात करें NHAI की, इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड 1995 में आपका सेटअप हुआ. और सुखबीर सिंह सिंधु साहब जो हैं वो इसके इस समय चेयरमैन बनाए गए हैं. तो बहुत ही सिंपल सवाल बनेगा दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज़ अचीव द हाईएस्ट एवर कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवेज. आंसर क्या होगा? द आंसर विल बी इट इज़ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI ने दोस्तों इतने जो हाईवेज हैं वो आपके बनाए हैं. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगली खबर दोस्तों जो है दैट इज़ फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया. ये खबर है रिगार्डिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट जिसको डेवलप करेगा एक स्टार्टअप. आई वॉन्ट एवरी वन टू राइट डाउन द नेम ऑफ द स्टार्टअप गाइस. स्टार्टअप का नाम है
मॉड्यूल इनोवेशन, एवरीवन प्लीज राइट डाउन, मॉड्यूल इनोवेशन जो है इसने डेवलप किया है एक रैपिड टेस्ट, ऑलराइट। इस रैपिड टेस्ट का मेन कंसेप्ट है कि एक तरह से जो COVID-19 इन्फेक्शन हैं उसको ये रोकेगा। अब द बिगर क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस स्टार्टअप। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्टार्टअप हैज़ बीन फंडेड बाय द DST। मेरे को कौन बताएगा DST न्यूज़ में क्यों है, कुछ सम बिकॉज मैंने आज डिस्कस किया है व्हाई इज DST न्यूज़। सो इसको फंड किया है DST ने। द हेडक्वार्टर्स ऑफ दिस इनोवेशन गाइज, ऑफ दिस पर्टिकुलर फंड गाइज इज इन पुणे। नंबर टू, यस, कवच की वजह से आप वेल डन नवीन कन्नन, यू आर वेरी गुड। ओके नाउ गाइज, दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल इज कॉल्ड एज द N। नाउ व्हाट इज N? N मीन्स नॉवल, नॉवल कोरोना वायरस सेंस मॉड्यूल, ऑलराइट। एंड इट विल बी अ रैपिड टेस्टिंग डिवाइस फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। द टेस्ट विल डिटेक्ट इम्यूनोग्लोबुलिन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन M, इनको वो डिटेक्ट करेगा बॉडी के अंदर फॉर टेस्टिंग द कोरोना वायरस। अगर हम DST की बात करें, 1971 में ये सेटअप हुआ, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सिंपल है, आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, 0, गिव मी अ थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड दिस हेडलाइन। फटाफट थम्स अप दीजिए अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, फन फैक्ट, कुड समवन टेल मी द नेम ऑफ द कंट्री बाय द इमेज। इस इमेज को देख के मेरे को कौन बताएगा ये कौन सा देश है, जल्दी फटाफट बताओ मेरे को ये देश कौन सा है आपका। एनीवन, यस। अरे मेरे भाई, मेरे जिगर के छल्ले, अफ्रीका इज नॉट अ कंट्री, अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट, ऑलराइट। दिस गाइस इज रवांडा। द रीजन व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस इज बिकॉज ऑन 7th of April, द वेरी सेम डे व्हेन वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड हेल्थ डे, इट इज़ ऑल्सो द इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द 1994 जेनोसाइड अगेंस्ट द तुत्सी इन रवांडा। ये दिन भी आपका इसी दिन पड़ता है। इट इज़ द डे इन 1994 व्हेन द रवांडा जेनोसाइड हैपेंड। जेनोसाइड को हम कहते हैं मास स्लॉटर और मास मर्डर ऑफ पीपल। सो मास स्लॉटरिंग ऑफ पीपल इन तुत्सी हैपेंड ऑन 7th April 1994। ये आपका चला 7 April से 15 July 1994 तक। रवांडा की बात करें, द करंट करेंसी इज रवांडन फ्रैंक एंड द करंट कैपिटल ऑफ रवांडा गाइस इज किगाली। बहुत ही सिंपल हेडलाइन है, सवाल एक ही बनेगा, मैं चाहूँगा आपसे आंसर, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द 1994 जेनोसाइड अगेंस्ट द तुत्सी इन रवांडा हैपेंड। प्लीज आंसर गाइस, ऑफकोर्स द आंसर विल बी द 7th of April, ऑल राइट। इसी दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं, मनाते नहीं है, ऑब्जर्व मनाते का मैं जब इंजॉयमेंट वाली बात है, यहाँ ऑब्जर्व करते हैं ऑन द 7th of April। अब आगे बढ़ते हैं। एक स्कीम है, उस स्कीम का दोस्तों नाम है PMKSY। दिस स्कीम फोकसेस ऑन माइक्रो इरीगेशन। नाउ व्हाट इज माइक्रो इरीगेशन गाइस? ग्राउंड लेवल इरीगेशन, मतलब जमीनी स्तर पे सिंचाई, दैट इज माइक्रो इरीगेशन। समझ में आया आपको? सो अगर हम बात करें अबाउट दिस स्कीम, अ लिस्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ द स्टेट्स हैविंग द मैक्सिमम कवरेज ऑफ माइक्रो इरीगेशन। उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर तमिलनाडु is the number one state, it is the number one state in terms of the total coverage of the micro irrigation. Second we have Karnataka and third we have Gujarat. Agar hum baat kare PMKSY ke, kai log puchhenge sir iska full form kya hai, iska full form hai Pradhan Mantri Krishi Sichai Yojana. This yojana was started in 2015. The total outlay of this yojana is 50,000 crores. 5 saal ke liye yojana banayi gayi thi. Iska main focus hai more crop per drop, हर एक बूंद से नया क्रॉप उपजे, ये इस योजना का कंसेप्ट यहाँ पर दिया गया है। तो मैं रिपीट फिर से आप क्लियर कर दूँ, तमिलनाडु इज द नंबर वन स्टेट इन टर्म्स ऑफ द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। समझ में आ गया सबको? प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप एवरीवन। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडलाइन है, सच क्वेश्चंस डू कम इन SBI क्लर्क, SBI PO एंड ऑल्सो समटाइम्स इन SSC एंड CDS। प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप गाइस। ओके, अब क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तमिलनाडु के बारे में, लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टैटिक GK ऑफ तमिलनाडु। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु गाइस इज चेन्नई, वी ऑल नो दैट। द गवर्नर इज बनवारीलाल पुरोहित जी, मिस्टर बनवारीलाल पुरोहित। द चीफ मिनिस्टर इज इडापड्डी के पलानीस्वामी जी। मेजर फेस्टिवल्स आर पोंगल आदि पेरक्कू। मेजर आर्ट फॉर्म्स गाइस, वी हैव भरतनाट्यम, कोलट्टम, करगट्टम। इंपॉर्टेंट ट्रेडिशंस गाइस, वी हैव जलीकट्टू। GI tags, we have Salem fabric, Kanchipuram silk and Madurai Suguri.
Important historical sites, we have Rama Setu, Varaha Cave Temple, Ramsar sites, we have Point Calimir, national parks, Indira Gandhi, Mudumalai, Mukurti, Gulf of Mannar. Tiger reserves, we have Kalakar Tiger Reserve, Indira Gandhi Tiger Reserve, Mudumalai Tiger Reserve and Satya Mangalam Tiger Reserve. Alright, recently, abhi hali mein, now guys, how many districts are there in Tamil Nadu? Main isliye pooch raha hoon because ek naya district add kiya gaya hai in Tamil Nadu. Could someone tell me? Yes, now there are 38 districts. Could someone tell me the name of that district, guys? Anyone? Any idea? Kuch district naam batayega mere ko? Yes, it is Madhumalai. Absolutely correct. Kya baat hai? Guys, everyone, please give yourself a love sign. I am loving all of you guys because you are so good. Those people who are so regular, they are so good that I sometimes envy. Ki yaar, 6 mahine ke andar, in the next 6 months, aap mere se better ho jaoge. Matlab maza aata hai, dosto, sunke. In the meantime, guys, main repeat phir se karunga. Hamara target hai to reach 1000 live viewers. Fatafat video ko share karo, taki hum 1000 live viewers tak pahunch sake. Okay, let's proceed. Okay, I do not ignore you, Kalpana. Don't worry. I always take all your doubts. Next question, next headline. Guys, agli hum khabar baat karenge about the PM Care Fund. So, zara mere ko fatafat bata do, PM Care ka full form kya hai? Fatafat, jaldi se, guys. The reason why it's in news, because government has nominated Indian Overseas Bank, HDFC Bank, Bank of Maharashtra and SBI for the PM Care Fund. Dekhte hain kaun aise karta hai isko. According to the government order, guys, the PM Care Fund basically stands for Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund. Iska full form hai. Agar aapko yaad nahi hai, to aap regular follower nahi hai. Agar hai, to aapko yaad rahega. Please ratta maar lijiye isko. Is fund ke andar jo members hai, Prime Minister is the chairman of this particular trust. There are other members, for example, the Finance Minister, the Home Minister and the Defense Minister. If anyone donates his money, his funds in this particular charity, then he will get a tax exemption. He will get 100% tax exemption under 80G of the Income Tax Act. So, yahan par jo aapke ye teen bank hai, Indian Overseas Bank, HDFC Bank, Bank of Maharashtra and also SBI, jo sabse pehla bank tha, unko allow kiya gaya hai to partner in the PM CARES Fund. I'll give you 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. I hope this headline is clear. Give me a thumbs up. Aapko ye clear agar ho gaya hai to. Okay. Now guys, since we are discussing about banks, could someone tell me what are the number of public sector banks left? What is that answer, guys? Number one. And number two, could someone tell me the tagline of Bank of Maharashtra? Fatafat batayega. Yes. 12 public sector banks have been left. 1st April ko, 10 banks were merged to become 4. Overall, now there are 12 public sector banks. 11 are public sector bank, are nationalized banks and public sector banks. One is SBI. अब क्योंकि हम यहाँ पर discuss कर रहे हैं इन banks के बारे में, तो ये रहा आपके सामने. क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ, आपका I am your friend. So एक बार जरा इसको भी देख लीजिएगा. Bank of Maharashtra is headquartered in Pune. AS Rajiv is the current MD CEO, Mr. AS Rajiv. One family, one bank is the tagline. IOB, Indian Overseas Bank, Chennai में headquarters है. Mr. Karnam Sekar is the MD CEO. Good people to grow with is the tagline. HDFC Bank, Mumbai mein headquarters hai. Aditya Puri is the MD CEO. And We Understand Your World is the tagline of the HDFC Bank. Is it clear to everyone? Please give me a thumbs up. Kya baat hai? Chaliye, aage badhte hain. Okay, now the next headline, guys, has been taken from New Indian Express. And jo aap dekh rahe ho, dosto, basically it is an innovation by the Aerobiosis Innovations. Alright. Ab zara iski hum baat kar lete hain. So IIT Hyderabad mein aapka ek center hai. Wahan par ek startup, ek company hai. Jisne ki tie up kiya hai. Us company ka naam hai Aerobiosis Innovations Private Limited. So Aerobiosis along with IIT Hyderabad, they have come together to set up a low cost portable emergency ventilator. Jiska naam hai Jeevan Light. Alright, now Jeevan Light has internet access which can be through a mobile app. IIT Hyderabad ne isko banaya is ventilator ko, aur Hyderabad, Telangana of course hai, aur ye Sanga Reddy jo jagah hai, wahan par aapka ye IIT Hyderabad jo hai, wo based hai. To bahut hi simple hai. Yahan par dekhiye, teen cheez aapko yaad rakhni hai. Sabse pehle dekho, ek to puchega sawal aapse ki Jeevan ventilator kiska hai. Zara batao mere fatafat, Jeevan kiska hai?
जीवन वेंटिलेटर जो है दैट इज ऑफ द इंडियन रेलवेज. ऑलराइट, कपूरथला कोच फैक्ट्री ने बनाया है जीवन रेलवेज को. द सेकेंड क्वेश्चन विल बी प्राणवायु. आई लाइक एंड रिपीट, प्राणवायु किसका है एंड द आंसर विल बी IIT रुड़की. ऑन सिमिलर लाइन्स IIT हैदराबाद का आपका है जीवन लाइट. याद रहेगा आपको, सबको भूलेंगे नहीं, एग्जामिनेशन में आप क्लियर कर लेंगे. एवरीवन प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर आपको ये याद रहेगा तो, बिकॉज गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस विल कम इन एग्जामिनेशन. ऑलराइट, ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन गाइज. कुड समवन टेल मी हु इज ही गाइज? आई एम प्रिटी सर्टन कई लोगों को नहीं पता होगा. वेल, ही वॉज द फॉर्मर PM ऑफ लिबिया. इनका नाम है महमूद जिब्रिल एंड ही हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 67. This headline has been taken from the website First Post. Screen पे आप देख सकते हैं. Libya के former Prime Minister थे, इनका नाम था महमूद जिब्रिल अल वरफाली. He was the interim PM during the Libyan Civil War and इनका देहांत दोस्तों हो गया है. Libya की बात करें तो Libya में capital इनका Tripoli है and currency इनकी दोस्तों जो है वो dinar है. अच्छा, एक सवाल यहाँ पर आ रहा है कि सर प्लीज़ प्रोवाइड द वेंटिलेटर प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशंस इन अ टेबल. तो क्या मैंने कल प्रोवाइड नहीं किया था, कल मैंने डिस्कस नहीं किया था? गिव मी आंसर येस और नो, बिकॉज येस्टरडे आई हैव गिवन अ टेबल. इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कमल वेंकट प्लीज़ बी रेगुलर. इफ यू आर रेगुलर देर विल बी नो डाउट्स. ऑलराइट, देर विल बी अ टाइम व्हेन यू विल क्लोज योर आईज एंड एवरीथिंग विल बी ऑन योर हेड. आपको कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड वेंकट. ऑलराइट, ओके, सो आई जरा अब ओके. नाउ सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट लिबिया, बिकॉज लिबिया हैज अ लॉट ऑफ नेबर्स, सो टुडे वी विल डिस्कस द मैप ऑफ लिबिया. ऑलराइट, शुड बी डिस्कस इट, प्लीज गिव मी अ थम्स अप. ओके, लिबिया की बात करें, चार्ड एक नेबर है, नाइजर एक नेबर है, यहाँ नहीं दिख रहा है आपको, सूडान एक नेबर है, नीचे दिया हुआ सूडान, इजिप्ट एक नेबर है, ट्यूनिशिया एक नेबर है और अल्जीरिया एक नेबर है. ऑलराइट, सो लेट्स डिस्कस द कैपिटल करेंसीज ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ लिबिया. स्क्रीन पे आपके सामने आ जाएगा और ये रहा आपके सामने. The capital of Chad is Jamena, the currency is franc. The capital of Niger is Niamey, the currency is franc. The capital of Algeria is Alger, the currency is dinar. The capital of Tunisia is Tunis, the currency is dinar. The capital of Sudan is Khartoum, the currency is pound. The capital of Egypt is Cairo and the currency is pound. आई होप आपको ये समझ में आ गया. गाइज, वी रीच 470 पीपल. अगर वीडियो को शेयर करोगे तो आज भी हम 500 क्रॉस कर जाएंगे. हमारे टारगेट हैं टू रीच 1000+ लाइव व्यूअर्स, तो फटाफट शेयर करना स्टार्ट करो. नहीं राधा कृष्णा जी, मेरे सेशन के बाद यू डू नॉट हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम न्यूज़ पेपर्स. ऑल राइट, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले हेडलाइन पर, जो कि दोस्तों ये रहा. ओके, नाउ वील डिस्कस गाइज समथिंग रिगार्डिंग बुक्स. Two books have been launched on COVID-19. All right, the headline, headline is mentioned in New Indian Express. Un books ke naam hai, pehle book ka naam hai How Contagion Works, Science Awareness and Community in Times of Global Crisis. Pablo Giordano is the author. The second book is Deadliest Enemy, Our War Against Killer Germs. The author is Michael Osterholm. Michael Osterholm and Mark O. Both these books are published by Hachette US. In these books को इन्होंने दोस्तों हाल ही में publish किया है. याद रहेगा आपको guys, very important है, ये books आपके examination में आ सकती हैं, इनको एक बार याद कर लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. Okay, on April 6 worldwide we observe the International Day of Sport for Development and Peace. This headline has been taken from UN. On 6th of April, guys, we observe this. This is the 7th edition, the 7th year in running when this day is observed. This day was declared as a UN International Day on 2013. What is the purpose, guys? Its main purpose hai 1896 mein jo pehli baar modern Olympic Games hue the, uski beginning ko honor karna. So basically, this day honors the beginning of the modern Olympics which took place in 1896 in Greek Athens, in Athens, Greece. Usko honor yahan par kiya jata hai. Bahut hi simple hai. आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं हमारी अगली खबर पे. गाइस, ये जितने भी आपके सामने प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप ध्यान से देखो, दिस प्रोडक्ट्स गाइस आर ऑफ ब्रिटानिया एंड डनजो. डनजो इज़ अ लॉजिस्टिक्स ऐप. बेसिकली इस ऐप के जरिए आप जो ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, बेसिक एसेंशियल्स उसको कर सकते हो. सो डनजो एंड ब्रिटानिया दे हैव कम टुगेदर एंड दे हैव कम टुगेदर फॉर प्रोवाइडिंग एसेंशियल सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर्स. उसके लिए डनजो ने और ब्रिटानिया ने दोस्तों टाई अप किया है. अगर हम ब्रिटानिया की बात करें, द करंट चेयरमैन इज़ नुस्ली एंड वाडिया सर.
and the MD of Britannia Industries guys right now is Varun Berry. इन दोनों को आप जरा यहाँ पर देख लीजिएगा. सो ब्रिटानिया एंड डेंजो हैव बेसिकली टाइड है. प्लीज सॉरी गाइस, प्लीज सॉरी. ओके ऑलराइट, चल आगे बढ़ते फटाफट. अब आते हैं हमारी अगली खबर पे. अगली खबर दोस्तों जो है वो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की. दिस खबर हैज बीन टेकन फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड. पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एंड जीका. नाउ गाइस आई वांट एवरीवन टू राइट डाउन द फुल फॉर्म. जीका का फुल फॉर्म है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी. सो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी एंड पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस दे हैव टाइड अप फॉर एन अग्रीमेंट ऑफ $75 मिलियन. इस अग्रीमेंट को उन्होंने टाई अप किया है. इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट का को फाइनेंसर है सिटी बैंक, जिसने दिए हैं $25 मिलियन. अगर हम बात करें पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की, संजय गुप्ता इज द हेड ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एंड जीका के हेडक्वार्टर्स हैं टोक्यो में एंड शिंची किटाओका इज द हेड ऑफ जीका. तो मैं रिपीट फिर से कर दूँ, सवाल बनेगा विथ विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एन अग्रीमेंट, एंड द आंसर इज जीका के साथ. एंड हु इज द को फाइनेंशियर? इट इज द सिटी बैंक. बहुत ही सिंपल, आई गिव यू 5 सेकेंड्स. 5, 4, 3, 2, 1, 0. आई होप पूरी हेडलाइन आपको क्लियर हो गई होगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं हमारे आज के वन लाइनर करंट अफेयर्स पर. लेट्स डिस्कस दी वन लाइनर करंट अफेयर्स गाइस. आइए जरा इसको हम आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले यहाँ पर आप बात कर सकते हैं स्टीफन ओ कीफ की. स्टीफन ओ कीफ जो है ही वॉज अ फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन टेस्ट स्पिनर एंड ही हैज रिटायर्ड. देन ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने कॉन्ट्रैक्ट किया है ईरानियन फुटबॉलर जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं ओमित सिंह. चाइना के ओलंपिक मेडलिस्ट थे हाई जंपर जांग गुओई. ही इज 28 ईयर्स ऑफ एज एंड ही हैज़ रिटायर्ड. मलयालम म्यूजिक कंपोजर हैं एम के अर्जुनान, ही हैज़ पास्ड अवे. अमेरिकन एक्टर हैं फॉरेस्ट कॉम्प्टन, ही हैज़ पास्ड अवे. फॉर्मर न्यूजीलैंड विकेट कीपर बैट्समैन जॉक एडवर्ड्स, ही हैज़ पास्ड अवे. एंड NCC दैट इज नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इन्होंने लॉन्च किया है NCC योगदान. इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं. समझ में आ गया दोस्तों? Everyone, please give me a triple sign because now we are coming to the current affairs analysis of the Hindu. Everyone, guys, and in the meantime, मैं फिर से request करूँगा, please video को फटाफट share करना start करो. हमारा target है by the end of this month to reach 1000 live viewers. आगे बढ़ते हैं. So, guys, finally, India, after the warning given by Trump, in fact, it was a sheer warning given by Trump of retaliation. India has lifted the ban on hydroxychloroquine. First of all, the biggest question is, what is hydroxychloroquine? Hydroxychloroquine, my friends, is an anti-malarial drug which is used for blocking the immune system from any viral infection. Main repeat phir se karta hu. Hydroxychloroquine is a drug, it's a malarial drug which if injected will block anything from any virus infection. ये बहुत ही सस्ता आता है, पर इंडिया ने इसको एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था. बट अब इंडिया इसको एक्सपोर्ट करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है. स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. सो इंडिया हैज़ लिफ्टेड द बैन ऑन दिस पर्टिकुलर ड्रग गाइस. इंडिया हैज़ द लाइसेंस ऑफ पैरासीटामोल एंड द हाइड्रोक्लोरोक्वीन ड्रग फॉर अप्रोप्रिएट क्वान्टिटीज, एंड इसने कहा है कि ये अब दे सकता है बाकी कंट्रीज को भी. बेसिकली ICMR ने कहा है कि प्रोफिलैक्सिस अलॉन्ग विथ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन कैन बी यूज्ड फॉर प्रिवेंटिव मेडिकेशन बाय डॉक्टर्स एंड नर्सेज एंड अदर हेल्थ स्टाफ जो कि टेक केयर कर रहे हैं ऑफ द COVID-19 पेशेंट. उनको तो इसको यूज़ करना ज़रूरी है ताकि उनको ना लग जाए COVID-19. समझ में आपको आ गया? सवाल बहुत ही सिंपल बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग has been allowed to be exported. Answer क्या होगा? फटाफट आंसर करिएगा. The answer is it is hydroxychloroquine. समझ में आ गया? मज़ा आ रहा दोस्तों? Keep on loving the session guys, keep on sharing. मैं रिपीट फिर से कर दूँ, ये हम सबका सपना है कि हमें 1000 लाइव बच्चों तक पहुँचना है by the end of this month. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगली खबर दोस्तों जो है that is regarding उड़ीसा. उड़ीसा गवर्नमेंट has started a telemedicine helpline which has started working from today. आज से आपका जो ये एक मेडिसिन है, ये जो टेलीमेडिसिन हेल्पलाइन है, ये आपका स्टार्ट होगा. ओके, आई वांट एवरीवन गाइस टू फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो, मैं आप स्क्रीन पे देख सकते हो व्हाट इज़ दैट हेल्पलाइन नंबर. अगर थोड़ा आँख फाड़ फाड़ के देखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दैट नंबर. द नंबर इज़ 1414.
So this helpline number has been launched in Odisha. इस हेल्पलाइन नंबर का मेन कंसेप्ट है कि जो भी हेल्पलाइन है रिगार्डिंग कोविड 19 उसके लिए यहाँ पर इसको हेल्प किया जाए. तो स्क्रीन पर अब आपके सामने आ जाएगा. सो दिस हेल्पलाइन नंबर हैज़ बीन यूज्ड. ओके, अगर ये हेल्पलाइन नंबर आपका बिजी है, इफ दिस हेल्पलाइन नंबर इज इनफैक्ट बिजी, देन यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन 104. इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल है. अभी हाल ही में उड़ीसा न्यूज़ में था बिकॉज पेटा, विच इज़ द बॉडी अगेंस्ट क्राइम ऑन एनिमल्स, इट हैज़ अवॉर्डेड नवीन पटनायक जी द करंट चीफ मिनिस्टर विद द पेटा अवार्ड फॉर फीडिंग एनिमल्स. उस वजह से भी आपका ये न्यूज़ में है. अब आते हैं हमारी अगली खबर पे दोस्तों. अगली खबर जो है दैट इज़ रिगार्डिंग अ हैकाथॉन. जो लोग नहीं जानते हैं, हैकाथॉन बेसिकली इट्स एन ऑनलाइन इवेंट विच टेक्स प्लेस फॉर डिस्कसिंग सोल्यूशंस और फाइंडिंग हैक्स फॉर कोविड 19. So MIT, which is Massachusetts Institute of Technology of the US, it had started a COVID-19 hackathon. अभी इंडिया में भी स्टार्ट हुआ था हैक द क्राइसिस, जो कि किया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने. ऑन सिमिलर लाइंस MIT ने वर्ल्ड वाइड लेवल पर दोस्तों किया था COVID-19 हैकाथॉन. तो इसके विनर हैं तीन इंडियन स्टूडेंट्स. दी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. एंड इन्होंने इनका क्वेश्चन था जिन पे इन्होंने सोल्यूशन निकालना था. द क्वेश्चन वॉज हाउ टू प्रोटेक्ट vulnerable populations from the effects of COVID-19. और इन्होंने इस पर जो इनका मेथड था वो था who to test and when. तो इस पर्टिकुलर ट्रैक के जरिए, इस पर्टिकुलर सोल्यूशन के जरिए दे हैव वन दिस पर्टिकुलर इवेंट. इस हैकाथॉन का नाम था बीट द पैंडेमिक एंड ये एक 2 days का 48 hours का वर्चुअल इवेंट था. द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स गाइस आर अक्षता कमात, शुभम रक्तेरिया एंड आद्री राजाराम. ये तीनों ने इस अवार्ड को यहाँ पर जीता है. सोल्यूशन क्या था? टू हैव अ टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म फॉर नॉन कॉन्टैक्ट मॉनिटरिंग और वाइटल साइन. मतलब एक ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर आप कॉल कर सकते हो और आप फ़ोन के ज़रिए आप चेक कर पाएँ अपने वाइटल साइंस, आपका हार्ट रेट, आपका BP, आपका शुगर लेवल. ऑल दीज वाइटल साइंस कुड बी चेक थ्रू दिस पर्टिकुलर टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म. समझ में आपको आ गया है? प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा यस सर, 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 यस सर. अगर आपको समझ में आ गया है तो एवरीवन गाइस, एवरीवन. एंड व्हाट इज द हैकाथॉन गाइस? यस, इट इज़ बीट द पैंडेमिक. आगे बढ़ते हैं. अगली खबर दोस्तों जो है वो पेज नंबर 12 पे है. दिस हेडलाइन इज फ्रॉम पेज नंबर 12. 1960s की बॉन्ड गर्ल थी ना गाइस. बॉन्ड गर्ल बेसिकली इज अ टैग गिवन टू एन एक्ट्रेस हु प्लेज द एंटी और द हीरोइन और द मेन प्रोटैगनिस्ट और द मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट इन अ बॉन्ड मूवी. ऑलराइट, इट्स अगेन नॉट अ वेरी रेलिवेंट फैक्ट, बट इसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा. सो बॉन्ड गर्ल थी, उनका नाम था ऑनर ब्लैकमैन. एंड गाइस शी हैज़ पास्ड अवे. शी वॉज 94 ईयर्स ऑफ एज एंड शी वॉज द बॉन्ड गर्ल इन द मूवी गोल्ड फिंगर. शी प्ले द रोल पुसी गलोर इन दैट मूवी एंड शी वॉज ऑल्सो वेल नोन फॉर हर रोल्स एज केथी गेल इन द टी वी स्पाई सीरीज एवेंजर्स एंड शी हैज़ पास्ड अवे. सिंपल है. प्लीज़ गाइज, मैं देख रहा हूँ कई लोग हैं जो समझ में नहीं आ रहा. प्लीज़ गाइज गिव मी अ थम्स अप बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी बैक टू द बेसिक एनर्जी. एवरीवन फटाफट, आई वॉन्ट एवरीवन टू बी बैक. बॉन्ड गर्ल मैंने बता दिया भाई ज़्यादा. ओके भीम भाई, बॉन्ड गर्ल को रॉकेट साइंस नहीं है, आप उसको भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. मतलब आप डू नॉट बी हिमेश रेशमिया, जिसको गाना नहीं है तुझे भूल जाना मुमकिन नहीं. भूल जाइए बॉन्ड गर्ल को. ऑलराइट, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. द इकॉनमी विल कॉन्ट्रैक्ट टू 4.5% इन द फोर्थ एंड द लास्ट क्वार्टर इन द फोर्थ क्वार्टर गाइस एंड अकॉर्डिंग टू इकरा विच इज़ द रेटिंग एजेंसी. अगर ऐसा रहा तो द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया गाइज विल बी एट बेसिकली 2%. तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इकरा विच स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इकरा हैज सेड that the growth rate in the fourth quarter of 20 will be 4.5%. Overall, in the financial year 21, the growth rate will be at 2%. And उन्होंने इस growth forecast को reduce किया है because of the COVID-19 crisis. अगर आप इकरा की बात करें, 91 में आपका सेटअप हुआ, गुड़गांव में हेडक्वार्टर्स हैं. अरुण दुग्गल साहब जो हैं वो इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं. बहुत ही सिंपल हेडलाइन है दोस्तों. इट्स अ वेरी 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 सिंपल हेडलाइन. चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं हमारे आज के फाइनेंशियल टर्म्स फ्रॉम द हिंदू में. आज के हमारे दो फाइनेंशियल टर्म्स हैं. तो फर्स्ट टर्म गाइस इज टेकन फ्रॉम द हेडलाइन
is SBI cuts MCLR by 35 basis points, and the headline and the keyword here is MCLR. Then IndusInd Bank ke jo shares hain wo increase hue hain, aur yahan par jo keyword is headline mein tha, that was LCR. Main aapse pehle bataunga iske full forms. MCLR ka full form hai marginal cost of funds based lending rate. Please everyone write down the full form. ये SSC में भी आ सकता है, कोई ये ना सोचे नहीं आ सकता, आ सकता है. CDS में भी आ सकता है. फुल फॉर्म क्या है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट. व्हाट इज द फुल फॉर्म LCR का? इज लिक्विडिटी कवरेज रेशियो. क्या फुल फॉर्म है? लिक्विडिटी कवरेज रेशियो. अब MCLR होता क्या है? MCLR इज द मिनिमम रेट बिलो विच द बैंक विल नॉट लेंड. MCLR वो रेट है जिससे कम पर बेस आपका लोन नहीं मिलेगा. इसका मतलब है कि द न्यू बेस रेट इज इक्वल टू MCLR. नंबर वन. LCR क्या है? LCR इज द टोटल कैश अवेलेबल ओवर द टोटल डिमांड. कितनी डिमांड है और उस पर कितना कैश अवेलेबल है वो आपका है LCR. अगेन रिपीट, टोटल डिमांड ऑफ टोटल कैश अवेलेबल ओवर द टोटल डिमांड. ऑलराइट, अगर आपको सही में पढ़ना है डिटेल में, मेरा SBI क्लर्क का एक बैच कल से स्टार्ट हुआ है. जो लोग बैंकिंग पढ़ना चाहते हैं वो प्लीज़ ज्वाइन करें इसको. अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा है, बहुत ही सस्ते में आपको ये मिल जाएगा. सो आई वॉन्ट एवरी वन टू ज्वाइन. और इसका फ्री ट्रायल भी अभी अवेलेबल है. सो अगर आप चाहते हैं, यू कैन गो टू द ग्रेडअप ऐप या फिर आप कॉल कर सकते हैं ग्रेडअप को एंड प्लीज़ अवेल दिस बैच. वहाँ पर जाके आपको पूरा बैच मिलेगा मेरा. ऑलराइट, फॉर SBI क्लर्क मीन्स. ऑलराइट, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. आप देख सकते हैं लिंक भी दिया हुआ है कमेंट्स, आपका कमेंट्स में इस पर्टिकुलर पार्ट पे. चलिए, अब मैं चाहता हूँ मेरे को कोई बताए, डज एनी वन हैज़ एनी आइडिया अबाउट यूरो करोना बॉन्ड्स. किसी को आइडिया है इसके बारे में? नहीं है तो बताता हूँ मैं आपको. यूरो करोना बॉन्ड्स गाइस बेसिकली इज़ अ रेजोल्यूशन दैट हैज़ बीन फाउंड आउट बाय द यूरो जोन सो दैट दे कैन पॉसिबली एलिविएट द फाइनेंशियल स्ट्रगल. जो भी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हैं उनको हम कैसे रोक सकें, उसके लिए यूरो करोना बॉन्ड्स को लॉन्च किया जाएगा. अब बेसिकली ये होता क्या है, जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं वो आपस में पैसे उधार देंगी उन देशों को जिन देशों में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर स्पेन है, स्पेन कैन टेक अ लॉन्ग टर्म लोन वाया दी करोना बॉन्ड्स फ्रॉम जर्मनी, और इटली कैन टेक अ लॉन्ग टर्म लोन वाया दी करोना बॉन्ड फ्रॉम कंट्रीज लाइक अगेन जर्मनी. ऑलराइट, सो करोना बॉन्ड्स आर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म डेट्स that can be taken by countries among the European Union. जो European Union है वो आपस में इन bonds को जो हैं वो बेच खरीद सकते हैं. इसका जो main issue है, चार countries हैं which are called as frugal four. Now what is frugal guys? Frugal, अगर मैं यहाँ पर Google भी करूँ कि frugal basically होता क्या है, so frugal is basically economical towards food, या फिर जो थोड़े हिचकते हैं, people who are very conservative towards spending. Alright, so जो frugal four हैं उनमें उन्होंने अपोज किया है, जर्मनी ने, नदरलैंड्स ने, फिनलैंड ने, ऑस्ट्रिया ने. और दोस्तों ये वही चार देश हैं जो basically इसके अगेंस्ट हैं, मतलब वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो. Alright, आपको समझ में आ गया? आपको सब, बिकॉज उनका मानना है कि ये NPA बन जाएगा. ऑफ कोर्स, बिकॉज दीज लोन्स विल देन बिकम NPA. समझ में आपको आ गया? सो यूरो करोना बॉन्ड ये हैं. मज़ा आ रहा है दोस्तों ना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट बॉन्ड कंसेप्ट है. इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ अ यूरो करोना बॉन्ड. ऑलराइट, चलिए अब आते हैं हमारे आज के स्टैटिक अवेयरनेस पर. गाइज, अभी तक अगर आपने वीडियो को नहीं शेयर किया, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए. मैं रिपीट बार बार करता रहूँगा आपसे, वी हैव टू रीच 1000 लाइव व्यूअर्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. इस महीने के एंड तक हमें 1000 लाइव व्यूअर्स तक पहुँचना है. तो चलिए शुरू करते हैं. ये रहा आपके सामने हमारा पहला क्वेश्चन, एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज नोएडा. नोएडा इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर गाइस. बिल्कुल सही जवाब है आपका ये. नोएडा में हेडक्वार्टर्स हैं आपके नैसकॉम के. आगे बढ़ते हैं. द सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ बीन सेटअप इन विच IIT, एंड द आंसर इज इट इज सेटअप इन IIT बॉम्बे. इसका शॉर्ट फॉर्म है आपका साइन. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the currency of Ethiopia? बहुत ही सिंपल सवाल है, एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज बीर. बीर करेंसी है आपकी इथियोपिया की. द सेंटर फॉर मटीरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, जिसने कि अभी हाल ही में एक पॉलीमर बनाया है, पॉलीमर शॉप बनाया है फॉर फाइटिंग अगेंस्ट करोना वायरस, ये आपका किस सिटी में है? द CMETS, ये कहाँ पर है आपका? एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ इन पुणे.
When was the first MPLAT scheme set up? इनमें से MPLAT scheme आपका setup कहाँ हुआ था? And the answer is, it is option B, that is 1993. 1993 में आपका ये setup दोस्तों जो है, वो किया गया था. Alright? तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं. Guys, do not forget to like the video, do not forget to share the video. And guys, मेरा email ID है, note down कर लीजिएगा. It is kush.pandey@gradeup.co. देख लिख लीजिएगा. आप इस पर जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट है, जो भी आपका फीडबैक है, कुछ भी है, आप मेरे को इस पर मेल कर सकते हैं. एंड आई एम प्रिटी सर्टन आपको आज जो बैकग्राउंड अच्छा लगा होगा. एंड गाइज, आप इस वीडियो को अपने टेलीग्राम ग्रुप्स पे, अपने सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे. बिकॉज गाइज, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वी आर ओनली 2 लाख सब्सक्राइबर्स. तो ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत लोग हैं, आपकी वजह से ही हम यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं. गाइज, वॉच आउट फॉर द नेक्स्ट सेशन आने वाला है ग्रामर का, उसको भी देखना मत भूलिएगा. सो बाय बाय गाइज, टेक केयर एंड सी यू सून गाइज. डू नॉट फॉरगेट टू ऑल्सो टेक अ फ्री ट्रायल ऑफ माई SBI क्लर्क बैच, वो फ्री ट्रायल का अवेलेबल है. थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय गाइज, टेक केयर एंड प्रेप स्मार्ट, स्टे सेफ एंड गो ग्रेड अप. थैंक यू सो मच, बाय बाय, पीस आउट गाइज, बाय बाय.